कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से शेयर बाजार में भी दहशत का माहौल है। इसके अलावा आज कई दिग्गज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखें शुक्रवार सुबह की 5 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस से भारत में पहली मौत। कर्नाटक में 76 साल के मरीज ने दम तोड़ा। कोरोना वायरस के कहर से देश दहशत में घिरता जा रहा है। कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भारत में कोरोना वायरस से मौत का यह पहला मामला है। यह मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई है। मृतक की उम्र 76 साल बताई जा रही है। विपक्ष से अमित शाह का सवाल, क्या एक ही जज करेगा न्याय, दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं? दिल्ली दंगों पर सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार लगाने वाले हाईकोर्ट के जस्टिसेस मुरलीधर के तबादले के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा, बेबुनियाद आरोप लगाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक ही जज न्याय कर सकता है? क्या दूसरे जज पर आपको भरोसा नहीं है? कोरोना इफेक्ट, अस शेयर बाजार में रोकनी पड़ी ट्रेडिंग। भारत में दहशत, चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का कहर भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की वजह से अमेरिका के शेयर बाजार सूचकांक डाउ जोन्स और S&P ने गुरुवार को ऐतिहासिक गिरावट देखी। जोरदार स्वागत के बाद आज राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। देश के अलग अलग राज्यों की 55 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज भोपाल में अपना नामांकन करेंगे। कोरोना की चपेट में सिनेमा, पहली बार कैंसिल हो रहे ये मशहूर इवेंट्स। कोरोना वायरस के महामारी घोषित हो जाने के बाद से दुनिया भर में इस वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। यही कारण है कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई फिल्में और इवेंट्स या तो स्थगित हो रहे हैं या रद्द हो रहे हैं।